रखे दिया वो तो हिंसा करने ही दिया। आपकी यही पॉजिटिव पॉइंट है कि आप जब काम करते हो लेते हो। डेट कैसे आ जाएगी अभी ऊपर तीन पॉइंट्स हैं आपको पता है ना, तीन पॉइंट्स हैं ऊपर पहले। हाँ डैश डैश था अब जो स्कूल नहीं बचे नहीं यहाँ पता है फिर है अब किस चीज के बारे में जैसे क्लब की सभा नहीं यही पे आएगा परसेंट इको क्लब सभा। हाँ हिंदी में लिखेंगे इको क्लब की सभा क्लब ठीक है। अब आएगा डेट हाँ अब दिनांक आएगा दिनांक लिखेंगे हम लिखेंगे दिनांक हाँ नंबर नहीं डालो डॉट लिखो क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे नहीं वो नहीं लिखना कि किसके लिए नहीं वो तो होगे वो ऊपर हाँ क्या आएगा इसमें सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हम इको क्लब प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं उसके लिए छवीं सातवीं और आठवीं के रुचि लेने वाले बच्चे इस समय पर इस जगह इकट्ठे हों ताकि हम निश्चित कर सकें क्या और कैसे करना है यही होगा ना इसमें नहीं इसमें नंबर क्यों देना है इसमें वो जो देना है नीचे हस्ताक्षर करके आप अपना नाम लिखेंगे और फिर लिखेंगे सचिव इको क्लब का हेड नंबर फिर देने की जरूरत नहीं। आप थोड़ा सा पीछे होंगे हाँ एक मिनट मैं गलती निकाल दूं सभी छात्रों बिंदी डाली हाँ को सूचित किया जाता है ना कि किया जाता है सियारी के अंदर किया जाता है कि इको क्लब हाँ की तरफ से ठीक है ठीक है ठीक है हुए नहीं इसको तो नाम नहीं लेगा ये नहीं ना होता कभी भी ऐसे थोड़ा होता है इको क्लब की तरफ से की जाने वाली प्रतियोगिता हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता हेतु हो गया काम प्रति योगिता ये आपने कैसे लिखा था प्रतियोगिता थोड़ा होता है प्रतियोगिता तो पूरा प्रतियोगिता हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए छवीं से आठवीं तक के सुनिश्चित निश्चित ये वाला नहीं होता ना निश्चित
वस्तु के साथ निश्चित सुनिश्चित, जब तक लिखोगे नहीं मिस्टेक्स नहीं सुधरेंगे। आई शो पूरा क्यों डाल दिया, शो के पीछे से मात्रा आएगी घूम के। रूहानी आज बहुत दिनों के बाद देखा आपको, रूहानी क्यों नहीं आए जब तक हार्दिक लिख रहा है, बाद देखा बच्चे आप। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि इको क्लब की तरफ से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए, मतलब प्रोग्राम सेट करना है सुनिश्चित करने के लिए, रुचि लेने वाले छठी से आठवीं तक के छात्र रुचि छठी से आठवीं तक के छात्र दोपहर 2 बजे के बाद हॉल में एकत्रित हों। दोपहर 2 बजे के बाद, दोपहर पहर, हाँ दोपहर 2 बजे हॉल में, दो बच्चे हॉल में 2 बजे के बाद, अच्छा हॉल में एकत्रित हो, हाँ बिल्कुल ऐसे आएगा, हॉल में एकत्रित हो, एकत्रित हो। ओम, अब नीचे क्या लिखेंगे, कौन मेरा, हाँ अब नीचे हाँ करो साइन, क्यों हार्दिक करना है, साइन तो इंग्लिश में बस जी, बस कुछ भी नहीं, हाँ लिखो हस्ताक्षर, नाम नहीं लिखना पूरा हम करेंगे, ये यहाँ हस्ताक्षर भी लिखेंगे, ठीक है, फिर डैश 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 नाम, और नहीं नहीं डैश डैश पद नहीं ना, यहाँ पे लिखेंगे सचिव, सचिव इको क्लब, इको क्लब, ये तीन चीजें आएंगी नीचे, सिग्नेचर फिर हस्ताक्षर नाम सचिव इको क्लब। जब तक एक बार हाथ से निकल गया ना अब इसके हार देख के, अब कोई इसे गलत नहीं करवा सकता कुछ ना, ये पक्की बात है। फिर इसे बंद करना नहीं भूलना बाद में डब्बे को, चलो अब आपका साथ दे देती हूँ। अब देख हार्दिक आपने कर दिया, इसमें अब मुझे जो कमी लग रही है ना, अभी तो पहले तो मैंने मिस्टेक्स कितनी इंप्रूव की आपकी, यानी आपकी कितनी 1 2 3 4 5 5 6 मिस्टेक्स इंप्रूव की हैं, अब देखो 2.5 नंबर का है सूचना, 5-6 गलतियां निकल गई तो आधा नंबर तो खींच ही लेगा ना, 2 नंबर देगा अगर ऊपर नीचे वाला देख के गलत नहीं है तो। दूसरी बात, आपको नहीं लगता कि ये लिखाई पूरी लिखाई बच्चों वाली,
लिखाई लिखाई लैंग्वेज से सारी मैंने बताई है आपको। थोड़ा ध्यान रखना, हाथ को थोड़ा सा रोक कॉपी पे जब चलाओगे। एक तो ये डॉट, ये जो ऊपर कोशिश कर सकते हो आप, मैं अब ये नहीं कहूंगी कि टेंथ में आप इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे यू आर, मैंने प्रतियोगिता लिखा, देखो कितना बड़ा वर्ड है, टॉप लाइन एक से लिखाई अद्धी तो उसी से सुंदर हो जाती है। टॉप लाइन एक हो तो लिखाई उसी से सुंदर हो जाती है। पंजाबी में होता है हर अक्षर के साथ लिखते हैं हम लाइन, जैसे हम लिख रहे हैं मैं हस्त लिख रही हूँ, पंजाबी में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो वी विल राइट हस्त, सिर्फ इतना ही फर्क होता है हिंदी और पंजाबी में, लिखाई सुधार है, ठीक है। दूसरी बात, कोई अक्षरों की बना, ये थे ना करने में अक्षरों की बनावट, अक्षरों की बनावट। हाँ मुझे पता है, मैं जर्नल बता रही हूँ बच्चे, मुझे पता है कॉपी में भी तेरी यही मिस्टेक्स होंगी, मैं कोई पॉइंट आउट नहीं कर रही, मैं सबको बता रही हूँ ये गलतियां। अब न लिख रहे हो आप ना, न और व और च, थोड़ा सा बनावट अच्छी करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपको आता नहीं है, गुड, मुझे आपकी कैपेबिलिटी पे कोई शक नहीं है और ना था, सिर्फ आपकी अटेंडेंस पे शक है। चलो ओके, अब इसी तरह एक पत्र करते हैं फॉर्मेट, वो राघव आ रहा है मेरे पास, आ जा राघव बेटे, इसी तरह फॉर्मेट ही लिखेंगे, इसी तरह करवाऊंगी साथ साथ। चौक उठा लो, आप पत्र लिख रहे हैं पुलिस अधिकारी को, पुलिस अधीक्षक को या अधिकारी को पत्र लिख के अपने मोहल्ले में होने वाली चोरी के बारे में। चलिए सिंपल सूचित कीजिए, थोड़ा सा दबा लेगा चौक को, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी आएगी, थोड़ा दबा के लिखेगा ना, जोर लगेगा थोड़ा सा। ठीक है हाँ, पहले एड्रेस किसको कर रहा है, एड्रेस किसको, थानाध्यक्ष, अच्छा ठीक है थानाध्यक्ष, ठीक, मैंने सोचा थाना नंबर लिखने लगा। नहीं नहीं थाना अध्यक्ष संधि कर देंगे, थाना अध्यक्ष बिल्कुल ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे, लिखते जाओ आप, थाना अध्यक्ष, यहाँ आप लिखेंगे थाना अध्यक्ष, वन इज द सेम थिंग, संधि है। पुलिस दोनों तरह से लिखा जाता है, लोगों को छुट्टी भी आती है, जैसा पेपर में होगा वैसा लिख देंगे हम, हाँ ठीक है। इसके बाद बिल्कुल सही विचार, मोहल्ले में होने वाली चोरी की शिकायत, चोरी की शिकायत, आवाज कर रहा है आप ये लोग, चल डैश डाल होने वाली चीज, आपने डैश नहीं डालनी वहां पे, पूरा लिखना है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि टाइम अपना हो जाए तो, श्रीमान जी ठीक है बेटे।
अब आगे हम लिखेंगे कि सभी ने निवेदन है कि मैं डैश मोहल्ले का निवासी आपका ध्यान अपने मोहल्ले में होने वाली चोरियों की ओर ले जाना चाहता हूँ। फिर आप लिख देंगे कि लगातार 3-4 दिन हो गए हैं चोरियाँ हो रही हैं और चौकीदार भी है लेकिन लगता है वह भी मिला हुआ है। आपसे निवेदन है कि आप बिना यूनिफॉर्म के कोई कांस्टेबल या कोई अधिकारी नियुक्त कर दें ताकि पता चल सके, या मेरी मदद करें, हमारी मदद करें, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। लाइन कल लिखवाई थी मैंने, आपकी इस अनुकंपा का मैं सदा आभारी रहूंगा। गुड। प्रारथी नाम पता नहीं, बस गुड। ठीक है, एक बार हाथ से हो गया मीन्स हो गया। अब एक संपादक को भी देख लें, अगर संपादक को लिख रहे हैं, संपादक को तो कोई भी विषय आ सकता है ना, तो क्या होगा यहाँ पे सेवा में संपादक महोदय डैश 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 समाचार पत्र शहर दिनांक किसी तरह विषय फिर जो आप लिख रहे हैं, है ना। फिर श्रीमान जी भी ऐसे ही, फिर संपादक को एक लास्ट लाइन जरूर लिखनी है, आशा है आप मेरे इस पत्र को अपने अखबार में या अपने समाचार पत्र में स्थान देंगे, मैं आपकी इस अनुकंपा का आभारी रहूंगा, धन्यवाद प्रार्थी, वो सब कुछ सेम। यानी कोई भी हम पत्र लिख रहे हैं फॉर्मेट यही है, फॉर्मेट में चेंज नहीं आएगा। ओके, तो लेट अस टॉक। इस समय मूड अच्छा बना हुआ है आपका भी मेरा भी, क्योंकि मुझे दो बच्चों ने अच्छा करके दिखा दिया तो अच्छा लग रहा है मुझे, वो भी वो जो क्लास में प्रेजेंट कम होते हैं। हाँ, तो बच्चे अनुच्छेद जब हम लिखेंगे, अनुच्छेद किसी भी विषय पे आ सकता है, कोई टॉपिक हमारा डिसाइडेड नहीं है कि किस विषय पे अनुच्छेद आना है, किसी विषय पे भी आ जाए, किसी विषय पे भी। आप इतने साल हो गए पढ़ते हुए, आप 6th से 5th से अनुच्छेद कर रहे हो, आपको टॉपिक्स पता है, छोटा मोटा लिखना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, सिर्फ शुद्ध हिंदी ही आपके लिए बड़ी बात है। अब अनुच्छेद लिख रहे हैं, कोई भी अनुच्छेद उठा लिया, जैसे मैंने उठा लिया आज भी कोई बर्निंग टॉपिक उठाओ, कोई कौन सा उठाना चाहोगे। हाँ, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान, अनुच्छेद आ गया आपका सूक्ति पे आ गया। जब आवे संतोष धन आपको लिखने के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन में होता है, ऑप्शन में होता है, तीन में से एक करना होता है या दो में से एक करना होता है, तो आप इस तरह का सूक्तियों वाला तो छोड़ ही देंगे ना, कि सूक्ति हमें समझ नहीं आनी। सूक्ति समझते ना किसी की कही हुई बात हमें, लेकिन ये समझ आ रही है, जब आवे संतोष धन, जब सेटिस्फेक्शन हो जाए तो बाकी सब कुछ मिट्टी हो जाता है, दूरी मैंने मिट्टी हो जाता है, किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं रहती जब सेटिस्फेक्शन हो जाए। हाँ, तो कोई भी अनुच्छेद लिख रहे हैं हम, उस अनुच्छेद को चार तरह से सोचेंगे, चार हिस्सों में बांट के सोचेंगे। वैसे वहां पे वो भी दिए होते हैं, पॉइंट्स भी दिए होते हैं, ना भी दिए हो तो आप चार तरह से सोचेंगे। पहले तो उसका मीनिंग देखेंगे, सूक्ति का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सूक्ति का मीनिंग है जब मनुष्य के मन को संतोष हो जाता है तो फिर उसके लिए बड़े से बड़ा पैसा मिट्टी के समान होता है। संतुष्टि आने पे किसी भी चीज का लालच नहीं रहता। ओके, एक हिस्सा हमारा खत्म हो गया अपने दिमाग में कि हमने लिख लिया। फिर अब संतुष्टि हो जाती है तो क्या क्या होता है, कैसे होती है संतुष्टि? नहीं, जब संतुष्टि पहले तो होती कैसे है संतुष्टि? जब इंसान अपने आप को परख लेता है, जान लेता है, तो उसे संतोष रखना आ जाता है, जितना है उसी में सुखी रहना आ जाता है। ठीक है, और जब इंसान जितना है उतने में सुखी रहता है तो वो कामयाब होता है, वो दूसरों के पीछे नहीं लगता, वो दूसरों की दौड़ में पैसा कमाने की दौड़ में या दूसरी दौड़ों में नहीं लगता,
और अपने काम से मतलब रखता है। जब वह अपने काम से मतलब रखता है तो वो सफल अधिक होता है। और अगर तीसरा पॉइंट, अगर संतुष्टि ना आए, अगर इसको फॉलो ना करेंगे तो क्या होगा, हम प्यासे रह जाएंगे, हमारा धन कमाने के प्रति और लोभ बढ़ जाएगा, हम दूसरों की तरफ देखकर अपने पास पैसे नहीं भी हैं तो वैसा कार्य करना चाहेंगे, तो हर समय दुखी रहेंगे, हर समय चिंता का विषय बना रहेगा, है ना। दूसरे का कहते हैं ना, दूसरे का मुंह लाल देखकर अपना इंसान थप्पड़ से नहीं कर सकता। ओके, फिर हम अनुच्छेद में एक एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी का भी, कोई बहुत अप्रोप्रिएट हो तो देना। जैसे इस समय मुझे एक ही एग्जाम्पल याद आया, जगदीश चंद्र बसु, बिल्कुल गरीब, मतलब इतने फिजिक्स के इतने बड़े वो हैं, जगदीश चंद्र बसु ही फिजिक्स के बहुत बड़े वो हैं, ज्ञाता हैं, इन्हें नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं, जगदीश चंद्र बसु, मतलब इतने बड़े, इन्होंने इतना सब कुछ किया, लेकिन जब फोटो खिंचवानी पड़ी होती थी ना, अपने फटे कोट में भी आ जाते थे सामने। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लता, इतनी बड़ी कोकिला, सिंपल साधारण साड़ी में होती थी, कभी हमने उसे, है ना, संतुष्टि थी कि मेरे पास जो है वो बहुत बढ़िया है। और जब इंसान को संतुष्टि आ जाती है तो उसे हर दौलत मिल जाती है, उसके आगे फिर कुछ भी नहीं रहता। और ये क्वालिटी विद्यार्थियों में, ये गुण विद्यार्थियों में होना बहुत जरूरी है। तीन लाइनें, विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है, कल के करणधार कहा जाता है विद्यार्थी को, तो विद्यार्थी को अगर संतुष्टि की आदत बचपन से हो जाए तो फिर उसके जीवन को असफलता का मुंह कभी नहीं देखना पड़ सकता, वह हमेशा खुशहाल प्रसन्नचित रहेगा और दूसरों को भी प्रसन्नचित रखेगा। That's all, अनुच्छेद बहुत हो गया, इससे बड़ा और क्या करना है। लास्ट में बच्चों से कोरिलेट जरूर कर देना है, आपसे कोरिलेट जरूर करना है। और ये तीन लाइनें पक्की पकाई हैं, पक्की पकाई लाइंस हैं, इसको जहां सेट हो, सब में नहीं सेट होंगी, है ना, तो जहां जिस अनुच्छेद में सेट हो जाए तो ये पक्की पकाई लाइनें हम हमेशा लिख सकते हैं, तो अनुच्छेद भी आपका इतने में अच्छा हो जाएगा। और अनुच्छेद एक लिखना है, 6 नंबर आने हैं। आप लोग मिस्टेक्स बहुत कर रहे हैं, मैं सूचना में ये भी बताना चाहती थी कि कुछ शब्द हैं जैसे निश्चित, कुछ शब्द हैं जो हर जगह यूज होते हैं, उन शब्दों को पक्का कर लो। अब विद्यार्थी, करणधार, हर अनुच्छेद में लिखना है हमें, तो वो शब्द पक्के कर लो ना। विद्यार्थी कैसे लिखना है, कैसे लिखना है विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, करणधार, करणधार क्या होता है, जिनके शोल्डर्स पे कल को बोझ आने वाला है, ठीक है, करणधार है, कल के करणधार है विद्यार्थी। सुनिश्चित वर्ड है ना, मोहल्ले वर्ड भी यूज होना है हर जगह, शहर का ध्यान रखना है, दिनांक का ध्यान रखना है, इन शब्दों को, कुछ शब्द आप सेल, अब सेल वर्ड तो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, सेल 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 विज्ञापन में सेल को सेल बना देंगे तो गलत ही हो जाएगा ना, कि कुछ वर्ड्स हैं, संपर्क के स्पेलिंग कभी गलत नहीं होने चाहिए, कुछ स्पेलिंग्स हैं जो आपको करके डाउट को जब भी आप पूछोगे आई एम अवेलेबल पूछोगे, लिख के आप मैसेज करते हैं ठीक है जी, ठीक है, 3-4 चीजें, क्योंकि अब तो ओवरऑल इसी तरह डिस्कस हो सकता है, कल का पीरियड है, कल मुझे लगता है, पता नहीं आप आओगे कि नहीं आओगे, कितने आओगे, मुझे लगता है आपसे पूछ पूछ के मनुष्यता कविता दोबारा डिस्कस कर देंगे, ठीक है, मनुष्यता कविता आपसे पूछ पूछ के, तो ट्राई टू रीड आउट दैट पॉइंट वंस, एक बार पढ़ के आना, मैं ये नहीं कह रही बहुत टाइम दो हिंदी को, थोड़ा सा टाइम दो, सिर्फ एक बार रीडिंग कराना, ठीक है। अगर आप चाहो तो किसी के पास बुक है तो रीडिंग तो अभी कर लेते हैं, आपके पास है, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी, हुई न यूं सुमृत्यु, वृथा जिए वृथा मरे, जिया नहीं वही की जो
मरा ना आपके लिए, है ना। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यही है जिसपे ज्यादा काला किया हुआ है आपकी बुक में। नहीं, मुझे याद है, आपको थोड़ा याद होगी, आपको तो शब्द दर शब्द पढ़ना है उसको। है ना, क्या है, विचार लो कि मृत्यु हो ना, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो याद जो करे सभी, हुई ना यूं सुमृत्यु, सुमृत्यु जैसे मदर टेरेसा मरी, सुमृत्यु ऐसा व्यक्ति जिसे बाद में याद किया जा सके, जिसे हमेशा किताबें याद रखें, जिसने ऐसे काम किए हो उसी को याद करता है ना इंसान, हमारे जैसे लोगों को थोड़ा याद करना है किसी ने, ऐसे लोगों को याद करता है जिसने किसी और के लिए कुछ किया। हुई ना यूं सुमृत्यु, तो वृथा जिए वृथा मरे, जीना भी फिजूल मरना भी फिजूल। जिया नहीं वही कि जो मरा ना आपके लिए, जो दूसरे के लिए काम करता हुआ नहीं ना मरा, उसका जीना फिजूल है, ठीक है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, पशु भी अपना खाना खाता है और चला जाता है, जाके बैठ जाता है, ये तो पशु प्रवृत्ति है। हमारे इंसानों की प्रवृत्ति है दूसरे के लिए कुछ करें। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के। अब पशु प्रवृत्ति क्या है, पशु प्रवृत्ति क्या है, अपना ही ध्यान रखना है बस। मैं यहाँ पे एक बात बताती होती हूँ, एक बार ना नदी को किसी ने कहा अपना फायदा उठाओ, यूज योर सेल्फ, नहीं नदी ने कहा यूज मी, मनुष्य से मुझे प्रयोग मिलाओ। मनुष्य ने कहा ठीक है फिर आता हूँ, क्या क्या होता है, तैरना सीख लिया, मैं तुझे पार कर सकता हूँ। नदी ने कहा मुझे मजा नहीं आया, कुछ और प्रयोग कर मेरा। मनुष्य को कहा ठीक है मैं और कर लेता हूँ, लकड़ियां बांधी और बेड़ा बना लिया, बेड़ा बना के अपने परिवार को लेके जा रहा है कि ठीक है मेरा परिवार नदी पार कर लेगा। अब नदी ने कहा मुझे अभी भी मजा नहीं आया, कुछ और यूज कर मेरा। तब उसके दिमाग में आया कि मैं इस पे बांध बनाता हूं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता हूं। मतलब मनुष्य हमेशा मतलब ही है, पहले अपना स्वार्थ सोचता है, फिर अपने परिवार का सोचता है, फिर समाज का सोचता है। और सुमृत्यु किसकी है, जो समाज का सोचे, जो किसी तीसरे का भला सोचे। अपना अपना भला सोचने में कोई वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है, ये तो पशु प्रवृत्ति है, अपना अपना फायदा बस, ठीक है। तो कल दूसरा पैराग्राफ तीसरा पैराग्राफ करेंगे, ओके।